की गई थी जुड़वा मूवी डेडिकेट? तेलुगु की कौन सी मूवी का रीमेक थी ये जुड़वा मूवी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड की जुड़वा फ्रेंचाइजी, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और रोमांस सब कुछ देखा गया है। इस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसका पहला पार्ट 1997 में आया था, जिसमें लोगों को खूब एंटरटेन किया था। आज भी जब ये फिल्म टीवी पर दिख जाती है तो इसे बीच में छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। जुड़वा में सलमान खान का डबल रोल देखने को मिला था, वहीं करिश्मा कपूर और रंबा सलमान के अपोजिट रोल में दिखी थी। ये मूवी उस समय की सुपरहिट मूवीज में से एक थी। एक लंबे गैप के बाद इसका दूसरा पार्ट आया। फैंस ने जुड़वा नाम सुनते ही कहानी का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर सेकंड पार्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। फैंस इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि इस बार कोई और सलमान का डबल रोल कर रहा था। 2017 में आई जुड़वा 2 में वरुण धवन का डबल रोल देखा गया था, और अब जुड़वा 3 को लेकर जब बात पब्लिक में निकली है तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही पिछले पार्ट्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी बताएंगे। जुड़वा 3 को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार हमें बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो यानी टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। फ्रेंचाइजी में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। टाइगर इस बार सलमान और वरुण की तरह डबल रोल में नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में दिखने वाले हैं, यानी ये जुड़वा नहीं बल्कि 3 की तिगड़ी होने वाली है। टाइगर 3 अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ नजर आएंगे, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 3 सेम भाई एक साथ कैसे दिखने वाले हैं। जुड़वा भाइयों पर तो काफी सारी मूवीज बनी है, लेकिन 3 की तिगड़ी पर अभी तक बॉलीवुड में कोई भी मूवी नहीं देखी गई है। फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर डेविड धवन और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने इन दोनों पार्ट्स में काफी मेहनत की है। वहीं इस बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आना उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा। जुड़वा मूवी 1994 में आई तेलुगु मूवी हेलो ब्रदर का रीमेक है। वहीं आपको बता दे, मूवी में दिखने वाली एक्ट्रेस रंबा भी इस मूवी के एक गाने में देखी गई है। हेलो ब्रदर मूवी भी 1992 में आई ट्विन ड्रैगन्स की स्टोरी पर बेस्ड थी। इसके बाद जुड़वा जैसी हिट फ्रेंचाइजी बना दी गई। ये थे मूवीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब देखना ये होगा कि मेकर्स जुड़वा 3 के लिए कहानी कहां से लाएंगे, किस तरह से नई कहानी को प्रेजेंट करेंगे। जाने से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताकर जाते हैं। अगर आपने जुड़वा मूवी स्टार्टिंग से देखी है तो आपने मूवी की शुरुआत में ही एक्ट्रेस दिव्या भारती की एक छोटी सी झलक देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जरूर देखना। दरअसल दिव्या भारती जुड़वा फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की वाइफ थी, जिन्होंने काफी छोटी उम्र में ही कई सारी फिल्मों में नाम किया था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था। उनकी सुसाइड करने की वजह सामने ना आ पाई और उनका केस बीच में ही बंद कर दिया गया। एक्ट्रेस 19 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चली गई। उनको खोने का गम साजिद नाडियाडवाला ने जुड़वा मूवी एक्ट्रेस को डेडिकेट की। तो ये थी पूरी फ्रेंचाइजी से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। आपको क्या लगता है, जुड़वा 3 की कहानी में मेकर्स क्या नया ट्विस्ट डाल सकते हैं? क्या कहानी बिल्कुल सेम होगी, बस 3 कैरेक्टर्स कर दिए जाएंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।